और गाइस क्या हाल है गाइस, वीडियो के टाइटल को देख के आपको पता चल ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो सारे फ़ोन्स जो कि इस महीने यानी कि फरवरी में लॉन्च होने वाले हैं, जितने भी फ़ोन्स होने वाले हैं सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेसिकली बस इतना बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन लेगी कैसे हैं वो। आज की लिस्ट काफ़ी लंबी है, करीब 10-11 फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा फ़ोन है जो इस महीने लॉन्च होने वाले हैं। गाइस आज की लिस्ट का सबसे पहला फ़ोन है रेडमी नोट 7, और आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा ही कि इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वगैरह वगैरह, कंपनी ने ये सब क्लेम करा है। बेसिकली वो एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा वैसे है नहीं, अगर आप नॉर्मल मोड में फ़ोटो खींचोगे तो वो एक 12 मेगापिक्सल के कैमरे से ही आएगी, तो रिजोल्यूशन उसका इतना है जितना 12 मेगापिक्सल के कैमरे का है। अगर आप प्रो मोड में जाके फ़ोटो लेते हो तो वो 48 मेगापिक्सल के रिजोल्यूशन में आएगी। अब यार ये काफ़ी झंझट वाली बात कर दी उन्होंने, अब प्रो मोड में जाओ उसके लिए 50 चीज़ें पहले सीखो, उसके बाद उन्हें अप्लाई करो, तब जाके आप मतलब एक 48 मेगापिक्सल की फ़ोटो ले पाएंगे। बाकी ये चीज़ मतलब ठीक है। और लेकिन जो गाइस रेडमी नोट 7 प्रो है, अब रेडमी नोट 7 या नोट 7 प्रो में से कुछ आ सकता है, तो जो नोट 7 प्रो है इसमें सोनी का IMX586 कैमरा यूज़ होगा, तो वो एक सच में 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा हो सकता है। दूसरा फ़ोन जो आज की हमारे लिस्ट में है वो है रेडमी गो, तो एक रेडमी की तरफ से बेसिक सा एक छोटा सा चीप रेंज में आने वाला एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी कीमत कम से कम 5-6 हज़ार रुपये होगी। बेसिकली एक एंड्रॉयड गो प्लेटफॉर्म के थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट में ये फ़ोन यूज़ होने वाला है। गाइज अब हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 के लॉन्च इवेंट के बारे में। गाइज यहाँ पे 3 फ़ोन सैमसंग लॉन्च करने वाला है S10 की सीरीज़ में, जो कि है गैलेक्सी S10, गैलेक्सी S10e और गैलेक्सी S10 Plus। गाइज ये सभी गैलेक्सी S10 फ्लैगशिप लेवल वाले फ़ोन होने वाले हैं। जो नया कंसेप्ट यहाँ पर सैमसंग लेके आया है वो है इन डिस्प्ले कैमरा का, मतलब डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा कहीं पर छुपा होता है, मतलब उसके लिए अलग से जगह नहीं है, डिस्प्ले के अंदर ही एक कोने में या फिर कहीं पे। और क्या पता दोस्तों लगे आ तो सैमसंग अपना फोल्डिंग फ़ोन भी यहाँ पर शोकेस कर दे, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, थोड़े बहुत चांसेस तो हैं क्योंकि थोड़े बहुत टीज़र आए हैं इसको लेके, तो देखो अब कैसा रहता है गैलेक्सी S10 का लॉन्च इवेंट। बाकी गैलेक्सी S10, S10 Plus और S10e तो यहाँ पर कंफर्म ही है। गाइज आगे हम बात कर रहे हैं मोटोरोला के लॉन्च इवेंट का, जो कि होने वाला है 7th of February को ब्राज़ील में। तो यहाँ पर मोटोरोला ने G7 लाइनअप अपना पूरा खड़ा कर दिया है, काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं गाइज, बहुत सारे फ़ोन्स हैं भाई। G7 लाइनअप में काफ़ी सारे फ़ोन्स आपको देखने को मिलेंगे मोटोरोला के, जो कि है मोटोरोला का G7, G7 Plus, G7 Power, G7 Play। इंडिया में कब तक आएगा ये अभी देखना बाकी है, तो चलो देखेंगे कि कब तक आता है ये इंडिया में। गाइज इससे हमें थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाएगा कि क्या मतलब फ्यूचर रहने वाला है मोटोरोला के फ़ोन्स का, बाकी देखते हैं। गाइज अगला फ़ोन हमारे लिस्ट में है नोकिया 9, तो काफ़ी सारे आपने शायद टीज़र देख लिए होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको नोकिया 9 में 5 कैमरा देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 5 कैमरा का सेटअप है, बिल्कुल ऐसे गोल करके आप फोटो में भी देख सकते हैं। गाइज ये पंच होल डिज़ाइन के साथ आएगा, देखो अब कैसा रहता है, कैसा रहता है इस फ़ोन का सक्सेस, कैसी रहती है इसकी इमेज क्वालिटी। अब इमेज क्वालिटी की बात करेंगे जब यहाँ पर 5 कैमरे डाल दिए हैं इन्होंने। गाइज अगला फ़ोन जो हमारी लिस्ट में आ रहा है वो है ओप्पो की तरफ से, ये एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है जो कि नाम जिसका हो सकता है ओप्पो K1। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया है वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ओप्पो की तरफ से। वैसे ये चाइना में लॉन्च हो चुका है फ़ोन, थोड़ा बहुत मतलब एक बजट रेंज का ही एक फ़ोन है, अब देखो इंडिया में कब तक आता है। वैसे कुछ चांसेस तो है कि इस फेब में यहाँ पर ओप्पो K1 के नाम से यहाँ पर लॉन्च कर दे। गाइज आगे हम बात करें तो यहाँ पर नए फ़ोन से एक दो फ़ोन आ रहे हैं रियलमी की तरफ से भी, काफ़ी ज़्यादा हाइप अप हो चुकी है ये ब्रांड भी, काफ़ी अच्छे काफ़ी बजट रेंज के फ़ोन निकाल रही है। तो अभी भी कुछ एक रियलमी 3 प्रो आने वाले हैं, देखो अब ये कब तक आते हैं, बजट स्मार्टफोन ही होंगे ये अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ में। अगला फ़ोन हमारे लिस्ट में आ रहा है वीवो की तरफ से, जो कि शोकेस किया जाएगा लॉन्च इवेंट में, जो कि वीवो का है 20th February को। ये फ़ोन है गाइस वीवो का V15 Pro, जिसमें कि आपको पॉपअप सेल्फी का एक चॉइस मिल जाएगी, जिसमें कैमरा ऐसे बाहर आता है तब आप सेल्फी लेते हैं। सेल्फी कैमरा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का, ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, अब देखना होगा कैसा रहता है फ़ोन, तो उसके लिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये लॉन्च होता है। गाइस आगे अगर हम बात करें तो एक और फ़ोन जो आने वाला है वो है सोनी की तरफ से, जो कि होने वाला है सोनी एक्सपीरिया XZ या XZ कह लो, जो भी आपको कहना है वो कह सकते हैं। यहाँ पर जो एस्पेक्ट रेशियो होने वाला है वो 21:9 का है, तो काफ़ी लंबा सा फ़ोन होगा देखने में। और यहाँ पर 52 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर आ रहा है, ऐसा टीज़र वगैरह ने बताया है। गाइस एक और बात बताना चाहूँगा कि 2019 में ना 5G को लेके काफ़ी ज़्यादा अप्रोच
सभी कंपनीज ने करी है, तो देखते हैं 5G कहाँ तक पहुँच पाता है इंडिया में। देखो अब इस 4G को 5G में चेंज होने में कितना टाइम लगता है, कितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है, तो ये सब देख के देखते हैं कब तक हो पाता है ये सब चीज़ें। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।